हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीएमएस का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, ठीक है, जो कि 2019 का पेपर से ये और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4C हम करने वाले, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के ए एंड बी तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है ताकि आपको फाइंड आउट करने में ईजी हो जाए ईच एंड एवरी क्वेश्चन, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको इस पेपर का पूरा सोल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर इन पीडीएफ मिल जाएगा और उसके सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके भी आंसर्स आपको पूरा डिटेलिंग में मिल जाएंगे, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए दिया गया है। इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, ए एंड बी एंड सी, ठीक है। सी 15 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आपका डिवाइड किया गया है 7 और 8 मार्क्स में। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे ए एंड बी जो कि 7 और 8 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर सी जो आज हम करने वाले हैं वो सीधा आपको 15 मार्क्स के लिए पूछा गया, जो कि ये एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन गिवन है, साथ ही साथ इसका एलपीपी इक्वेशंस भी बना के दिया हुआ है और आपको सिंप्लेक्स का टेबल भी या कॉलम भी बना के दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे आपको सब कुछ करके दे दिया गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए आपके पेपर्स के अंदर, जो कि आप अपना पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी में ऐसा रिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए 7 मार्क्स के लिए रखा गया है, क्वेश्चन नंबर बी 8 मार्क्स के लिए रखा गया है, ठीक है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट सेकेंड दो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, राइट। इस तरीके से आपके क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है पेपर्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक इफ द एबो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट, यानी कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको बोला कि आपको चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो कि 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। एंड नेक्स्ट थिंग 5 मार्क्स के लिए सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है कि इफ इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना है आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो गाइज देखो, यहाँ पे ना जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको हिंट दे दिया गया है, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है, तो जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसमें लिख भी दिया गया इफ इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब कि डेफिनेटली ये ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, जो आपका इसके नीचे कॉलम बनता है, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया डेल्टा इक्वल्स टू सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीरो और नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम ऐसा लास्ट कॉलम बनाएंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू सी जे माइनस जेड जे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, जीरो और नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, जीरो और नेगेटिव। अगर ये दो वैल्यूज आ जाती है जीरो और नेगेटिव, दैट इसमें ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। अगर इसमें एक भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। देन अब क्या करते हैं, आपको इसमें डेल्टा सी जे माइनस जेड जे निकालना, जो कि क्वेश्चन में आपको सिंप्लेक्स का ये टेबल बना के दिया है। फर्स्ट जो टेबल आप देख रहे हो ये आपके क्वेश्चन पेपर में बना के दिया हुआ है, ठीक है, मैंने अलग से कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे, राइट। इतना सिंपल कर दिया गया है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी का ए का 1, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया एग्जाम्स में, राइट। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको, बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा है सी जे माइनस जेड जे, ये अपना सी जे और ये अपना जेड जे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 30 माइनस 20, तो इसमें आ जाएगा 10, राइट, यहाँ तक। फिर 40 माइनस 40 करेंगे तो 0, 0 माइनस 20 करेंगे तो -20, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, मतलब देखो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आ चुकी है क्लास, तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर डेल्टा इज पॉजिटिव वैल्यूज या पॉजिटिव, हैंस इट इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। 2 मार्क्स हो गए मेरे, बस इतना ही करना था, मिल गया 2 मार्क्स, नाइस, यहाँ तक समझा। अब क्या करना है आपको, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। तो उसके लिए ये जो कॉलम है इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे ना आर आर क्रिएट करना होगा। आर आर मीन्स रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियो, आप शॉर्ट में आर आर भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है इसलिए मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए,
ओके तो रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं इसके अंदर, पहले तो वही देखना है कि इसमें बिगर नंबर क्या है। तो ऑब्वियसली 10 यहाँ पे आ गया, तो मतलब कि ये एक्स वन पे की कॉलम बनेगा, ये की कॉलम हो गया, ठीक है, केसी लिखता हूँ यहाँ पे की कॉलम। फिर इसके बाद आपको क्या कहना है कि ये जो बी की वैल्यूज है ना बी, ठीक है, ये टोटल वैल्यूज होती है वेरिएबल की, तो इसको डिवाइड कर देना है इससे की कॉलम से, 100 को डिवाइड करेंगे 1/2 से। मतलब कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको सो दैट नहीं करना है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। 100 है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देना है 1/2 से, ठीक है, तो ये हो गया 100 1/2, तो ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब कि 100 × 2 तो 200 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। सेम ऐसा यहाँ पे भी करना है आपको, 100 है और इसको डिवाइड करना है 11/2 से, राइट, तो दैट इज मीन्स इसमें आ जाएगा पहले तो 200 हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, और डिवाइड बाय 11 कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 18.18 आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। और 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक समझा। अब क्या करना है, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज है वो की रो बना देगा, मतलब आपको बी से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है ऐसा, तो उसको बोलेंगे हम लोग की रो। इसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ के आर का मतलब क्या होगा, की रो। और जो इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कॉलम में भी है रो में भी है, तो उसको हम बोलेंगे के ई का मतलब होगा की एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के ई मतलब की एलिमेंट 11/2, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नया टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके देन अब आपको न्यू कॉलम बनाना है, सब कुछ नया चाहिए इसके अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग S2 को हम किसे रिप्लेस कर रहे हैं X1 से। तो पहले यहाँ पे X का जो कॉलम है ना उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे X2 जिसमें चेंजेस करना सिर्फ उसमें, बाकी का सब कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे X1 और यहाँ पे आएगा S3, राइट, और यहाँ पे X2 की वैल्यू है 40 और X1 की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है, और S3 की वैल्यू कितनी है 0, ये हो गया, राइट, यहाँ तक ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे न्यू कॉलम के लिए, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आएगा न्यू की रो वैल्यूज, ठीक है, न्यू की रो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो की रो देख रहे हो ना आप बी से लेके S3 तक 0 तक, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, मतलब इसमें 100 है, 11/2 है और फिर 0 है, फिर -5/2, फिर 1, फिर 0, यहाँ तक हो गया। इसको डिवाइड कर दो की कॉलम से, सॉरी की एलिमेंट से, ये जो की एलिमेंट है ना उसको डिवाइड कर दो 11/2। 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 11/2 से, तो अब भी हमने किया था, तो आंसर कितना आएगा 18.18, 11/2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम वैल्यूज है, डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे -5/2 और 11/2 को सॉल्व करेंगे, देखो 11/2 और फिर डिवाइड, सॉरी -5/2 डिवाइड बाई 11/2 ऐसा है, तो इसमें 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा -5/11, यहाँ तक समझा कैसे कैलकुलेशन करना है। देन 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब 2/11 आ जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 2/11, और 0 से करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास न्यू की रो, तो की रो क्या था मेरा X2 वाला, ठीक है, सॉरी X1 वाला, तो X1 में मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 18.18, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 0, फिर -5/11, फिर 2/11, फिर 0, ये हो गया। X1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज मैंने, यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये हो गया। देन अब मुझे रिमेनिंग वैल्यूज निकालनी है, रिमेनिंग वैल्यूज क्या होगी इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पे नॉन की रो वैल्यूज, ठीक है, तो नॉन की रो में मेरे पास 2 वैल्यूज है, एक X2 की है और एक S3 की है, तो पहले मैं X2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉन की रो का, इसका फॉर्मूला है क्लास ओल वैल्यू, ठीक है, माइनस इन द कर्ली ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ
की कॉलम, ठीक है, इनटू न्यू वैल्यू ऑफ की रो, मतलब ये जो न्यू वैल्यूज है, ठीक है, ये सब क्या आपकी न्यू वैल्यूज है की रो की, और इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की रो क्या है, तो ये सब क्या करस्पॉन्डिंग है, ये की रो है, सॉरी की कॉलम है, की कॉलम, ये भी की कॉलम, ये करस्पॉन्डिंग है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और ओल्ड वैल्यूज क्या होगी, ये पूरा कंटिन्यूसली यहाँ तक एस थ्री तक क्या होगी, सब आपकी ओल्ड वैल्यूज होगी, राइट, यहाँ तक। देन अब इसका न्यू वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, एक्स टू का, तो फर्स्ट वन यहाँ पे बी, फिर एक्स वन, एक्स टू, फिर एस वन, एस टू, एस थ्री, ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। चलो ओल्ड वैल्यूज लिखते हैं सबका, लाइन से पहले लिख देंगे, यहाँ पे 100 हो गया, इसमें 1/2, फिर 1, 1/2, 0, 0, क्लियर, यहाँ तक समझा। देन फिर माइनस करेंगे, माइनस किया, फिर ब्रैकेट में लिखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम, तो इसमें क्या है x, सॉरी 1/2, x1 में देखना है 1/2, तो सब जगह 1/2 आ जाएगा, ठीक है, सब जगह आपको 1/2, सब फटाफट लिख के ना आपको सॉल्व कर देना है 1/2, फिर इसमें इंटू कर देना है, राइट, फिर न्यू वैल्यू ऑफ क्यू निकालना है, न्यू वैल्यू ऑफ क्यू देखो ये, इसको अभी लाइन से सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 18.18 ये एक हो गया, देन इसके बाद यहाँ पे 1, फिर 0, फिर यहाँ पे आएगा -5/11, फिर 2/11, ठीक है, फिर 0, ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट वन आएगा 18.18 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, तो मतलब हो जाएगा 100 माइनस 18.18 मतलब 9.909, ठीक है, 9.09, अब माइनस कर देंगे इसमें से, तो उसको माइनस करने पे आपका आंसर आएगा 91 देखो क्लास, अगर आपको ना डेसिमल में प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने के लिए, मोस्ट ऑफ द इसके जो आंसर्स होते हैं वो डेसिमल्स में नहीं आते, सिर्फ हम रिप्लेसमेंट रेशो को डेसिमल में लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसको डेसिमल में नहीं लेते हो तो इसका जो प्रोपोर्शंस वैल्यूज होगी वो क्या होगी, जैसे कोई यहाँ पे था ना, यहाँ पे हम प्रोपोर्शंस वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने पास क्या था 100 था, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 11/2, राइट, इस तरीके से, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 200/11 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 200/11, देखिए यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी आएगा 200/11, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, मोस्ट ऑफ दिस का जो वैल्यूज होता है ना वो डेसिमल में नहीं आता है, इसलिए हम डेसिमल में नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 200/11, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन से, यहाँ पे देखो 200 को 2 से डिवाइड कर दो तो 100/11 हो गया, राइट, यहाँ तक। चलिए देन अब क्या कहते हैं आपको, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 100 कितना होगा 1100, इसमें से आपको 100 माइनस कर देना है अपॉन 11, मतलब इसमें आएगा 1000/11, 1000/11, ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई यहाँ पे बी की, यहाँ पे निकालेंगे, देखो 1/2 − 1/2, तो ये तो जीरो हो गया, सिंपल सा डायरेक्ट कैलकुलेशन, 1 − 1/2, 1 − 1/2, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2 − 1 मतलब 1/2, इसका 1/2 ही आया फाइनल आंसर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/22, ठीक है, 1 × 5 किया तो 5 हो गया, 2 × 11 किया तो 22, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम डिनोमीटर सेम कर देंगे, ठीक है, तो डिनोमीटर सेम कर देंगे मतलब यहाँ पे 2 है, इसको 22 करेंगे, तो 22 करने के लिए मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 से मैंने न्यूमेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमीटर्स में भी कर दिया, ठीक है, प्लस 5/22, तो अब ये दोनों सेम हो गए डिनोमीटर्स, और ऊपर की वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो 17/22, राइट, इसमें आप कैलसी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड में मतलब बहुत ही रहर आपको कैलसी यूज़ करना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कैलसी की नीड पड़ेगी आपको, आपको सिर्फ इसमें आपको कितना बेसिक मैथ से आता है वो सॉल्व करना है, जो कि एक लेंदी प्रोसीजर्स है, और इसीलिए इसको डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा ये −1/11, यहाँ पे 0 0 है तो सब जगह 0 हो जाएगा, राइट, तो ये x2 की वैल्यूज आ गई है,
जो मैं यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन यहाँ पे 1000/11 आया है, तो यहाँ पे 1000/11। फिर इसके बाद आया 0, ठीक है। फिर x2 में आया 1/2। फिर s1 में आया 17/11, सॉरी 22, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा -1/11 एंड देन 0, राइट, यहाँ तक। अब मुझे s3 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इतना सब पार्ट अप करके यहाँ पे मैं आप निकालूँगा s3, ठीक है। तो इसके पहले हमने x2 निकाला था, s3 निकालेंगे। इतनी सी वैल्यूज़ को आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर लूँ ताकि हम इसके आगे का सोल्यूशन सॉल्व कर सकें। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं s3, ठीक है। s3 में सेम करना है आपको, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाइड करना है, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे अभी ओल्ड वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम से वहाँ से कैरी करना है आपको। तो फर्स्ट वन बी की वैल्यू से यहाँ पे 100, ठीक है, ओल्ड वैल्यूज देख रहे हैं। फिर इसमें 1, फिर 0 यहाँ पे देखते रहिए, फिर -2, फिर 0, फिर 1, ठीक है। फिर माइनस एंड देन इन द ब्रैकेट अब लेंगे हम करस्पॉन्डिंग की कॉलम। करस्पॉन्डिंग की कॉलम कितना है अपने पास, 1 है अभी, तो सब जगह 1। फिर इसमें इंटू कर दो न्यू वैल्यूज ऑफ की रो, ठीक है। तो न्यू वैल्यूज ऑफ की रो कितना है यहाँ पे, फर्स्ट में 200/11, फिर यहाँ पे 1, 0, -5/11, फिर 2/11 एंड देन 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो अब कैसे निकालना है, इसमें कैलकुलेशंस पार्ट लगेगा। देखो यहाँ पे अभी 100 है, माइनस करेंगे 200/11 से, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कैसे करना है समझा। फर्स्ट वन यहाँ पे हमने 100 लिख दिया और 1 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 200/11 हो गया। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100-200/11 माइनस कर दो तो 900/11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1-1 0 हो गया, यहाँ पे देखो 0-0 0 हो जाएगा, 1 से 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे -2 लिखा, -, प्लस, फिर 1 से 5/11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 5/11, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -22+5/11, इसका माइनस करेंगे तो -17/11 आ गया, राइट। और यहाँ पे -1×2/11 करेंगे तो 2/11, ठीक है, 0 कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे। देन 1-0 1, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हम इसकी वैल्यू कॉलम में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन बी की वैल्यू आई 900/11, देन इसके बाद आएगा 0, अगेन 0, फिर -17/11 एंड देन -2/11 एंड देन 1, ठीक है, इस तरीके से। अभी आपको ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालते हैं हम लोग, ZJ निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये जो C का कॉलम है इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो C का जो फर्स्ट वन है फर्स्ट से, फिर सेकंड का सेकंड से, फिर थर्ड का थर्ड से, ऐसा मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर लेना है फिर, ठीक है। मतलब अगर मैं 40×0 करूँ तो 0 हो जाएगा, 30×1 करूँ तो 30, 0×0 तो मतलब 0, 30, 0, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 30, राइट। अभी देखो यहाँ पे 40 है, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 0 एंड देन 0, तो यहाँ पे आएगा 20, क्लियर। फिर यहाँ पे 40×ये करेंगे 17/22, फिर 30×-5/11, फिर 0×-17/11, तो 0 का तो 0 हो गया लास्ट कॉलम का। सिर्फ आपको दो कॉलम यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 170/11, ठीक है। देन इसके बाद 40×-1/11 करना है, फिर 30×2/11 एंड देन इसके बाद 0 है सब। यहाँ पे होगा 40 और इधर पे 60, तो मतलब 20/11, ठीक है। कैलकुलेशन हमने कैसे किया मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये लास्ट वाला कॉलम सेम उसी तरीके से सब करना है आपको। फर्स्ट यहाँ पे 40×-1/11 करना है, फिर उसमें से प्लस कर देना है आपको 32/11, ठीक है। और फिर प्लस करना है 0×-2/11, ठीक है, इस तरीके से। इसका करेंगे तो -40/11 प्लस 60/11 और यहाँ पे कम्प्लीटली 0 हो गया।
डिनोमीटर यहाँ पे सेम है, तो ये 11 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ गया। 40 में से 60 माइनस हुआ तो 20, तो 20 अपॉन 11, तो देखो यहाँ पे 20 अपॉन 11 आ गया, राइट। अब अपने पास ये जो सी जे माइनस जेड जे है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव और जीरो दोनों आ जाता है तो दैट इज मीन यहाँ पे अपना सम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं आएगा तो आपको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 5 मार्क्स के लिए पूछा गया तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये लास्ट सोल्यूशन होगा, इसके बाद आपको ये सिंप्लेक्स मेथड का टेबल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक। लेट्स सी कैसे होता है। सी जे माइनस जेड जे करना है, मतलब 30 माइनस 30 तो जीरो हो गया, ठीक है। 40 माइनस 20 तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 माइनस 170 अपॉन 11, ठीक है। फिर 0 माइनस 20 अपॉन 11 तो माइनस में आएगा, 0 माइनस यहाँ की एक वैल्यू रह गई अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब कम्प्लीटली जीरो है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे ना मिस्टेक हुआ, यहाँ पे अपनी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 40 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा क्लास, राइट। तो यहाँ पे आपका सिंप्लेक्स मेथड हो गया, तो यहाँ पे 0 और नेगेटिव आ चुका हुआ है, तो आपको रिप्लेसमेंट रिलेशन कैलकुलेट करने की नीड अब नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस, लेकिन इसमें आपको बताना है कि यह ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है या नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर, ठीक है, डेल्टा इज नेगेटिव एंड 0, हैंस कॉमा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इसके टेबल के नीचे ये सब लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, राइट, समझा यहाँ तक। तो ये 5 मार्क्स के लिए कंप्लीट, और ये ऊपर का जो किया वो 2 मार्क्स के लिए, ये टेबल आपको पहले से था, इसमें हमने सिर्फ ये लास्ट का रो फाइंड आउट किया और बताया कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ तक 2 मार्क्स बता दिया और 5 मार्क्स के लिए इतना सारा कैलकुलेशन आपको करना है। नेक्स्ट थिंग, 4 क्वेश्चन दिए गए अब 8 मार्क्स के लिए, यानी कि ईच क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स, इसमें सिर्फ आपको आंसर्स बताना है फटाफट, राइट ना। तो आपको जो आंसर्स बताना है वो इसके बेसिस पे बताना है। देखिए ये जो सेकेंड अपना ये सिंप्लेक्स मेथड का टेबल फॉर्मेट आया है, इसमें से आपको आगे के 4 क्वेश्चंस के फटाफट आपको आंसर्स देने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये सब कैलकुलेशंस अब आपको नीड नहीं है। तो चलिए ये जो कैलकुलेशंस पार्ट है इसको मैं रफ कर देता हूँ और ये 2 कॉलम को मैं यहाँ पे बस रहने देता हूँ, ताकि हम आगे के 4 जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम फटाफट सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, देन इसके आगे का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये क्लास अब हम इसके आगे का सॉल्यूशन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा है, फाइंड द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑप्टिमल प्रॉफिट, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, 2 मार्क्स के लिए है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट पूछा है वो है इसका ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स कैसे निकालना है आपको, देखो ये टेबल से ही निकालना है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिक्स है वो X1 एंड X2 से आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे X1 एंड X2, तो जो X1 है वो 200 अपॉन 11 है और X2 है वो 1000 अपॉन 11 है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स। अब इसके बाद इसका जो बी पार्ट पूछा था उसमें लिखा हुआ है ऑप्टिमल प्रॉफिट। ऑप्टिमल प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो ऑप्टिमल प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है मैक्स जेड इक्वल्स टू 30x1 प्लस 40x2, तो यहाँ से हमें मिलेगा ऑप्टिमल प्रॉफिट। तो इसके अंदर 30x1 की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन 11 प्लस 40x2 की वैल्यू कितनी है 1000 अपॉन 11। देन इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो 6 और कितना 0 है 1 2 3 0 अपॉन 11। 40 × 1000 करेंगे मतलब 40000 हो गया अपॉन 11। इसको प्लस कर देंगे तो 46000 अपॉन 11, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, क्योंकि प्राइस है अमाउंट है तो डेसिमल में भी हो सकता है, तो यहाँ पे रुपीज़ में इसको डिवाइड करता हूँ तो 41.81, ठीक है, ये आएगा मतलब 4,181.81। 11 से डिवाइड करने पे ये आंसर आ गया, तो ये हो गया मेरा ऑप्टिमल प्रॉफिट। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल गया मुझे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें पूछा कि विच रिसोर्सेज आर स्कैर एंड विच आर अनयूटिलाइज, तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा रिसोर्सेज स्कैर रिसोर्सेज है, स्कैर रिसोर्सेज, ठीक है, और कौन सा अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है। तो फर्स्ट वन हम लोग स्कैर रिसोर्सेज देख लेते हैं। स्कैर रिसोर्सेज मतलब जो हम यूज़ करने वाले तो हैं, मतलब कि उस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ तो हुआ है लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ एग्जैक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि S3 एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें प्रोडक्ट बनाने में यूज़ तो हो रहा है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्लैक वेरिएबल होता है, मतलब कि अनयूटिलाइज रिसोर्सेज। तो 900/11 जो अपना आया वो है अपना अनयूटिलाइज रिसोर्सेज या स्केयर रिसोर्सेज बोल सकते हैं इसको, मोस्ट ऑफ इसको स्केयर रिसोर्सेज ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर्स लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे S3 इक्वल्स टू 900/11 तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन में है। तो यहाँ पे इन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अनयूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज या तो इसकी कैपेसिटी, ठीक है, अनयूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में क्या आएगा कि 900/11 ये इसकी कैपेसिटी थी S3 की लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए S3 आर स्कैर रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब इसका प्रोडक्शन में यूज़ तो है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनयूटिलाइज रिसोर्सेज कंसिडर होगा यहाँ पे। देन इसके बाद इसमें पूछा है कि अनयूटिलाइज रिसोर्सेज क्या है, अनयूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, तो इसमें आप देख सकते हो कि S1 एंड S2 ये दो स्लैक वेरिएबल है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि हमने इसको यूज़ ही नहीं किया कहीं पे भी। आप देख सकते हो कि जो X का कॉलम है इसमें X2 और X1 और S3 है, मतलब S1 एंड S2 का कोई भी यूज़ नहीं है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो इसलिए लिखेंगे S1 एंड S2 आर नॉन वेरिएबल, आर नॉन वेरिएबल रिसोर्सेज is zero, ठीक है, तो therefore S1 and S2 equals to zero, तो therefore S1 and S2 are unutilized, unutilizations resources, मतलब इनकी capacity zero के बराबर है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, unutilized resources, ठीक है, ये हो गया आपके दो marks के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, दो मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दो पाँच, ठीक है, दो मार्क्स, फाइव मार्क्स, फिर यहाँ पे दो मार्क्स, ये दो मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन और ये दो मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 मार्क्स हो गए और अपने पास दो क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज़ इट अ केस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जस्टिफाई योर आंसर, क्या इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बन सकता है, क्या नहीं बन सकता क्लास, इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैसे बनेगा। यहाँ पे जो ZJ है उसमें 0, 0, -17/11, -20/11 और 0 आ गया, तो मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकता यहाँ पे, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा इज नेगेटिव एंड 0, तो हेंस इट कैन नॉट बी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं बन सकता, और भी इसका रीज़न है जो आप दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल S1 एंड S2, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ है स्लैक 1 और स्लैक 2, ठीक है, यहाँ पे सकते हो कि ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -170/11, -20/11, ठीक है, तो S1 एंड S2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो भी ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं बन सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि व्हाट आर द शैडो प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज, तो आपको उसको शैडो प्राइस बताना है। तो जो शैडो प्राइस होता है ना वो अपना यहाँ से निकलता है, कहाँ से, जेड जे से निकलता है। तो शैडो प्राइस हम किसका लेंगे, स्लैक 1, स्लैक 2 एंड स्लैक 3, यानी कि S1, S2 एंड S3 का सिर्फ हम शैडो प्राइस लेते हैं, अदरवाइज हम किसी और का शैडो प्राइस कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब X1 एंड X2 का नहीं कर सकते, ठीक है। और सिर्फ हमें S1 एंड S2 एंड S3 सिर्फ स्लैक वेरिएबल का ही यूज़ करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, देन मैं इसको कॉलम बना लेता हूँ। आप वीडियो पॉज करके फटाक से इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके आगे का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम इसका शैडो प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, शैडो प्राइस, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए हम कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वन आएगा स्लैक वेरिएबल, यानी कि S1, S2 एंड S3। देन इसके बाद ZZ निकालेंगे यहाँ पे, जो ZZ की वैल्यूज होगी, क्योंकि इससे ही हमते को शैडो प्राइस आता है, और यहाँ पे लिखेंगे शैडो प्राइस। ओके, तो स्लैक 1 की वैल्यू यहाँ पे ZZ से निकालेंगे, तो 170/11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 170/11, यहाँ पे 20/11 और यहाँ पे 0। तो S3 का तो शैडो प्राइस तो 0 हो गया, ठीक है, इतना तो क्लियर है। देन अब हम इसको 170 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते 11 तो 6 रिमेनिंग 60 हो गया, फिर 5 55, तो यहाँ पे अगेन 5 रिमेनिंग तो 50 हो गया, मतलब 4, ठीक है, तो 50 और यहाँ पे 11 4 44, 6 बचा, तो फिर 5 टाइम पे अगेन, ठीक है, तो मतलब 15.45 आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे तो 11 11, फिर डेसिमल आ जाएगा, 9 रिमेनिंग है, 90, तो मतलब 8 80 है, तो 2 रिमेनिंग, यानी कि 20 अगेन, तो 1.81 यहाँ पे आंसर। देन ये जितने भी आंसर्स आए ये आपके पर यूनिट वाइज है, यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट। तो इस तरीके से आपको शैडो प्राइस भी कैलकुलेट करना है। आई होप कि ये जो पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4th का सी, बस इतना ही करना था, जो कि ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, तो हमने पूरा सम कंप्लीट कर दिया। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, राइट, और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड है। अगर आप सिंप्लेक्स मेथड नहीं करना चाहते हो तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th का ए एंड बी पार्ट है, जिसमें आप असाइनमेंट और नेटवर्क एनालिसिस के सम्स दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें भी, दोनों में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, एंड 4th का जो सी है इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है, राइट। बस ये अगर आपको टेबल निकल गया तो इसके बेसिस पे आप आगे के जितने भी सम्स है उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही है आज के लेक्चर्स में। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, और पूरा पेपर का सॉल्यूशन जो है वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप वीडियो के बेसिस पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, आइदर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके सॉल्यूशंस को भी आप चेकआउट कर सकते हो, कैसे सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे पूरा डिटेलिंग में बताया हुआ है, लेकिन वीडियो रिफर कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।